नमस्कार। आज मैं आपको राग बहार और राग मियां मल्हार दोनों में अंतर बताऊंगा। दोनों काफी लगभग एक जैसे सुर हैं मिल सकते हैं, पर फिर भी उनके गाने में काफी फर्क है। पहले मैं आपको मल्हार सुनाता हूँ, फिर बाद में उसके टेक्निकल डिटेल्स पे आएंगे हम लोग, फिर कंपेरिजन करेंगे। हम अभी जो तानपुरा यूज कर रहे हैं वो पहला कैदे का है, मतलब सी शार्प वाला तानपुरा है। अभी हम आपको सिर्फ थोड़ा सा आलाप और थोड़े से ताने वगैरह लेके दिखाएंगे एक राग में, और कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोनों निषाद और दोनों रागों में रखते हैं। दोनों निषाद जो है दोनों रागों में है, अवरोह में कोमल में और जाते हुए अवरोह में शुद्धि में, ये कॉमन फीचर है इनका। और भवनी
आरोह भी कि वो संपूर्ण आरोह उसका संपूर्ण है मलहार का, जबकि महार में जो है वो औरव राग है, गाते हुए जो है ऋषभ और पंचम है जो वर्ष है, ऋषभ पंचम वर्षाएं की वजह से वो औरव और अवरोह में शारद है, मतलब अवरोह में दोनों में घर नहीं लगता है। ये जो है मल्हार में लगता है, ये मल्हार में आता है और अवरोह मतलब जो अवरोह में लगभग काफी मिलता जुलता है। ध्वनि पद लेते हैं पर अवरो में अवरो में अवरो में घर को दर्ज करते हैं। इसकी जाति जो है वो संपूर्ण शाड़ों के लाती है, जबकि वो और शाड़ों के लाती है। एक बड़ा अंतर यह है कि ये दोनों के अलग अलग सीजनल राग हैं। बहार जो है वो बसंत ऋतु का बहुत बढ़िया राग है, जो बसंत ऋतु में ज़्यादा गया बजाया जाता है, वैसे तो शरद ऋतु में भी गाते हैं इसको, पर बरसात में नहीं गाते हैं इसको, मतलब बरसात के लिए उपयुक्त नहीं है। बरसात के लिए दूसरा राग इसको बोलते हैं हम मियां मल्हार, इसको तानसेन जी ने बनाया हुआ है, इसलिए उनका नाम मियां मल्हार है। हालांकि मल्हार का अलग वर्षन पहले से थे और इन्होंने उसका और वेरिएशन बनाया, उसको हम मियां मल्हार के नाम से जानते हैं। तो इस मल्हार में मल्हार के रूप से एक प्रकार भी है, तो हम जो जिस बात जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम मियां मल्हार बोलते हैं, जिसमें कि एक स्पेसिफिक तरह से गाया जाता है उसमें दोनों निषाद को और हम मल्हारों के बीच का डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, हम मान चल रहे हैं कि मियां मल्हार और एक बहार है, इन दोनों में कैसे कंपेयर करें। सो इफ वी आर सिंगिंग राग मियां मल्हार रे सा
Yeah.
काफी गंभीर है और निहार को आप फंस गए खूब गा सकते हैं आराम से पूर्वांग को धन्यवाद होने के लिए क्योंकि बाहर को आप ज़्यादातर उत्तरांग में जा रहे आते हैं ऊपर को जा रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा फर्क है इस वजह से एकदम राग के जो डिफरेंस है सामने आ रहे हैं वहां पे रुपया बंधा हुआ रहा
करते हैं।